हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डिजाइनर नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा बनी हुई पैंट के अंदर किस तरीके से आप म्यानी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, इस पैंट में हमने लगानी है म्यानी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखिए, ये वाले हिस्से, आसन के हिस्से को अब कम से कम आपने यहां तक खोल लेना है। हम इसको उल्टा कर देते हैं। अब दोस्तों, ये वाली सिलाई होती है हमारी, ये वाली आसन वाली, हमने कम से कम यहां तक खोलनी है। और इस साइड से भी हमने यहां से देखा यहां तक खोलनी। पहले मैं इसे खोल देता हूं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आसन वाली जगह को यहां पर खोल दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखिए, ये हमने कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। उसके बाद क्या करना, ये देखिए, इस तरीके से आपने ऐसे फोल्ड करना है। अब यहां से आपने 3 इंच का निशान लगाना है। इसकी लंबाई हमने रखनी है 8 इंच। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप ये 7 इंच की लंबाई भी रख सकते हैं। यहां से 3 इंच का निशान लगा दिया मैंने। उसके बाद क्या करना, ये देखिए, इस तरीके से आपने 6 फट्टी लेनी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। अब यहां से क्या करना, नीचे वाली साइड से, ये देखिए, ये निशान मैंने इस तरीके से लगाया। अब इसे कर देते कट। ये देखिए दोस्तों, हमने म्यानी की कटिंग कर दी है, ये डबल है, ठीक है। अब इसे लगाना कैसे है, ये देखिए, आप पैंट का ये वाला हिस्सा पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, हमने हल्की सी सिलाई यहां से भी खोल लेनी है। गौर से देखिएगा, एक म्यानी को हमने ये वाले को साइड में रखेंगे, इसे पकड़ेंगे, यहां से सिलाई लगानी शुरू करनी है। ये देखिए, इस तरीके से ये वाली सिलाई आपने यहां तक लगानी। चलिए मशीन पे चलते हैं। ये वाली म्यानी जो होती है अपने ऐसे रखनी है, ठीक है, इसी तरीके से। गौर से देखिएगा, देखिए, एक हिस्सा हमने लगा दिया है। ये देखिए, ये वाली सिलाई मैंने लगा दी है। अब क्या करना है, इस पैंट का ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा हमने इस तरीके से पकड़ना है। यहां से सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और इस तरीके से लगाते हुए यहां तक सिलाई लगा देनी। चलिए मशीन पे चलते हैं। सिलाई हमने यहां से स्टार्ट कर देते, ऊपर से। ये देखिए, मैंने ऊपर से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहां से आपको कपड़े को बिल्कुल साफ करना है, ये देखिए, इस तरीके से, ताकि कोई भी इसके अंदर सलवटें ना आए। ये देखिए दोस्तों, ये वाली सिलाई मैंने लगा दी है। ये देखिए, एक साइड से मैंने हमने लगा दी है। इसी तरीके से आपने, ये देखिए, इसे मैंने पलट दिया है और इस साइड भी हमने मैंने लगानी, ये देखिए, ठीक है। इस मैनी को भी हमने इस तरीके से रखना है और पहले ये वाली सिलाई लगानी है, ठीक है। उसके बाद हमें ये वाली सिलाई लगानी है। पहले मैं ये लगा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये वाली सिलाई मैंने लगा दी है, ठीक है। अब एक साइड हमारी ये मैनी लग गई, ठीक है। अब ये दूसरी साइड हमने इस तरफ लगाना है। ये देखिए, ये वाला जोड़ यहां से पकड़ लेना है, ठीक है। और सिलाई हमने यहां से ऊपर से स्टार्ट करनी है। ये देखिए, कपड़े को अच्छे से हमने इस तरीके से साफ करते हुए ये वाली सिलाई को भी इसके साथ लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैनी मैंने लगा दी है और इस साइड से भी देखिए, यहां से भी लग चुकी। अब इसमें करना क्या है, ये देखिए, हमने ये वाली सिलाई यहां से उठानी है, ठीक है। इस तरीके से सिलाई को यहां पर लगा देना है और सिलाई कम से कम आपने यहां तक लगानी है। ये नहीं कि आपने यहीं पे खत्म करनी, यहां तक खत्म करनी है। चलिए मशीन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली सिलाई लगा दी है मैंने। अब इसको हम कर देते हैं सीधा। ये देखिए दोस्तों, पैंट को कर दिया हमने सीधा। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से ये मैंने हमने लगा दी, इसके अंदर कोई भी झोलझाल नहीं आया। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से, इस साइड से भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए, यहां भी कोई झोल नहीं आया। इसी तरीके से आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी मैनी लग जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मुझे सपोर्ट करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।